ये जान बुझकर हड़ताल हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है और बिजली कर्मियों को जनता के बीच में बदनाम किया जा रहा है। ये गलत आरोप है कि बिजली कर्मी जो है की वजह से जनता को परेशानी है। आखिर कैसे शुरू हुई यूपी में बत्ती गुल होने की पूरी कहानी? आखिर एक साथ यूपी के विद्युत कर्मचारी क्यों चले गए हड़ताल पर? आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। 2000 में जो विघटन के समय यह स्पष्ट लिखा था कि आपकी सेवा शर्तें कम तो नहीं की जाएंगी, वो कम कर रहे थे। उन्हीं मांगों को लिए हम लोग ये आंदोलन उस समय किए थे। 3 दिसंबर को समझौता हुआ था और उसमें लिखा था कि 15 दिन के अंदर आपके सारे मांगों का अनुपालन करा दिया जाएगा, फिर वनमन हो जाएगा। लेकिन आज 115 दिन हो गए। एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ता जा रहा है और बिजली की मांग जोर पकड़ रही है, ठीक उसी समय बिजली कर्मियों की हड़ताल प्रदेश के तापमान को और बढ़ा रहा है। आम जनता कभी बिजली कर्मियों के हड़ताल का हो हल्ला देख रही है तो कभी सरकार की कार्यवाही, और इससे कुछ समय बच जा रहा है तो घर में पसरे अधियारे में अपनी बदहाली देख रही है। आम जनता समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर ये नौबत आई कैसे और इसमें उसका भला क्या दोष है। तो आइए समझते हैं ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल बिजली कर्मियों में उनकी सुविधाओं से संबंधित कुछ सेवा शर्तों में कटौती को लेकर पहले से ही रोष था। उसमें इस बात ने आग में घी डालने का काम किया कि ओबरा व अनपरा में 8-800 मेगावाट की 2-2 इकाइयों का निर्माण कार्य NTPC लिमिटेड को, जो कि केंद्र सरकार की संस्था है, देने पर MOU साइन कर लिया गया, जबकि ये UPRVUNL के अंतर्गत आता है। साथ ही पारेषण से संबंधित बिजली उपकेंद्रों व लाइनों के निर्माण व रखरखाव का कार्य निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अतः विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने अपनी 14 सूत्रीय मांग माननीय ऊर्जा मंत्री को दिसंबर में सौंपी और मांग पूरा न होने पर 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल करने की बात कही। मसलन 3 दिसंबर 2022 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश एवं माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुए लिखित समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ओबरा एवं अनपरा में 8-800 मेगावाट क्षमता की 2-2 इकाइयों के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य NTPC लिमिटेड या किसी अन्य कंपनी को देने की बजाय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया जाए, 200 केवी एवं उच्च विभव के उत्तर प्रदेश में बनने वाले सभी विद्युत उपकेंद्रों व लाइनों के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया जाए, वर्ष 2000 के बाद नियुक्त हुए सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर UPSEB लिमिटेड का गठन किया जाए, बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा यथावत जारी रखी जाए और वर्तमान व्यवस्था में छेड़छाड़ न की जाए, नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए और निविदा या संविदा कर्मचारियों को तेलंगाना, राजस्थान आदि प्रांतों की तरह नियमित किया जाए। नियमित होने तक 3 दिसंबर के समझौते के अनुसार विभिन्न ऊर्जा निगमों में कार्यरत निविदा संविदा कर्मचारियों को समान पद पर समान मानदेय दिया जाए। शक्ति भवन मुख्यालय में बिजली कर्मियों, निविदा या संविदा कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए करोड़ों रुपए का अपव्यय कर लगाए जा रहे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को तत्काल हटाया जाए। आग, भूकंप जैसे किसी आपदा में ये प्रणाली भारी अवरोधक भी साबित होगी। उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली पहले से ही लागू है। जवाहरपुर तापीय परियोजना में आवासीय परिसर सीमेंट फैक्ट्री से दूर GT रोड के निकट बनाया जाए। तो ये 9 वो मांगे थी जो विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी थी। इस पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ने क्या कहा, ये भी देख लीजिए। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अदालत परमार है, मैं अभियंता संघ का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारत माता की जय। और सर, ये जो आंदोलन हो रहा है बिजली कर्मियों का, क्यों हो रहा है? आपको बताना चाहेंगे कि ये बिजली कर्मी आप देख रहे हैं, हाल भरा हुआ है, बाहर मातृशक्ति है, बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारी अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता और अभियंता टेक्नीशियंस हर वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये इसलिए एकत्रित हुए हैं कि विगत 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री
और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के साथ विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ 14 बिंदुओं पे लिखित समझौते हुए थे और उसमें यह उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि आपकी जो जायज मांगे जो कि 2000 में जो विघटन के समय यह स्पष्ट लिखा था कि आपकी सेवा शर्तें कमतर नहीं की जाएंगी, वो कम कर रहे थे, उन्हीं मांगों को लिए हम लोग ये आंदोलन उस समय किए थे। 3 दिसंबर को समझौता हुआ था और उसने लिखा था कि 15 दिन के अंदर आपके सारे मांगों का अनुपालन करा दिया जाएगा, फिर मनमन हो जाएगा। लेकिन आज 115 दिन हो गए और बीच में संघर्ष समिति ने दर्जनों लेटर प्रबंधन को, प्रदेश सरकार को उस समझौते का हवाला देते दिया कि आप जल्द से जल्द 15 दिन से ज्यादा होने पर दिया, आप 45 दिन पे दिया। इस तरह से बीच में कई बार उन्होंने रिमाइंडर दिया, सरकार को दिया, ऊर्जा प्रबंधन को दिया कि आप हमारे जो समझौते हुए हैं उसका पालन कराइए। लेकिन 115 दिन हो गया, अभी तक उस समझौते के एक बिंदु का भी कोई पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से संघर्ष समिति को पुनः सांकेतिक हड़ताल, कार्य बहिष्कार और मशाल जुलूस निकाल के सरकार को और ऊर्जा प्रबंधन को पुनः जगाने की कोशिश की गई कि आप पुनः जो 3 दिसंबर की आप मांग है उसको जल्द से जल्द उसको पूरी करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और सर, ये जो इस आंदोलन को लेकर जनता के अंदर, जनता के बीच विद्युत कर्मियों की छवि जा रही है, नकारात्मक जा रही है और दुष्प्रचार भी हो रहा है कि दोषी विद्युत कर्मी ही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नकारात्मक कैसे, हमारी पहले बताया कि 2000 में विघटन के बाद, ऊर्जा निगमों के विघटन के बाद जो सेवा शर्तें कम की गई, यानी जो हमारी पहले सुविधाएं दी जाती थी उस सुविधाओं में कटौती की गई, उसी के मांग के लिए, बहाली के लिए हम लोग आंदोलन किए, उसमें समझौता हुआ कि 2000 में विघटन के बाद, ऊर्जा निगमों के विघटन के बाद जो सेवा शर्तें कम की गई, यानी जो हमारी पहले सुविधाएं दी जाती थी उस सुविधाओं में कटौती की गई, उसी के मांग के लिए, बहाली के लिए हम लोग आंदोलन किए, उसमें समझौता हुआ और समझौता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। एनटीपीसी का बीच में एक मामला आया कि जो हम लोगों के उत्पादन निगम की जो ओबरा और अंबरा में ऑलरेडी हमारे उत्पादन निगम की बड़ी यूनिटें स्थापित हैं, हमारे पास पूरा इंफ्रा है, यहाँ पर अभी G20 इन्वेस्ट समिति के माध्यम से एनटीपीसी को ओबरा में 2 यूनिट 800 मेगावाट की ओबरा डी के नाम पर और अनपरा में 2 यूनिट 800 मेगावाट की अनपरा डी के नाम पर वो MOU साइन हुआ एनटीपीसी के साथ। ऐसा क्यों हुआ, जमीन हमारी है, प्लांट हमारे हैं, तो फिर एनटीपीसी को बीच में क्यों घुसाया जा रहा है? क्या हम परफॉर्मेंस हमारी खराब है? आज एनटीपीसी चलाने के लिए बुलाया गया, एनटीपीसी 72 घंटे भी नहीं हुआ, यूनिटें धड़ाम धड़ाम सब बंद हो चुकी हैं। अगर हमसे बेहतर परफॉर्मेंस करते थे एनटीपीसी तो यूनिटें बंद क्यों हो गई? सवाल ये जनता से है कि अगर एनटीपीसी अच्छा काम कर रहा है, एनटीपीसी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज ओबरा का जनरेशन 0 हो गया, अनपरा ए का जनरेशन 0 हो गया, अनपरा बी का जनरेशन 0 हो गया, हरदोयागंज में यूनिटें ट्रिप करेगी, तो एनटीपीसी के लोग तो फेल हो चुके हैं, तो फिर एनटीपीसी के लोग को देना क्यों चाह रहे हैं? और अगर देना ही चाहते हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर एनटीपीसी को देना ही चाहते हैं तो देश में और भी जमीनें हैं, वहाँ पर एनटीपीसी को दिया जाए, हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी आपत्ति आप हमारे घर में लगा रहे हैं एनटीपीसी को, ओबरा और अनपरा हम लोगों का खुद का है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। तो ये चीज जनता के बीच में इस तरह का गलत मैसेज जाना ही नहीं चाहिए। जब 3 दिसंबर के समझौते को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से, कार्य बहिष्कार के माध्यम से, मशाल जुलूस निकाल के, इसमें जनता को कहां से तकलीफ हुई है? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्लांट को छोड़कर बाहर आए हुए हैं, तो जनता को तकलीफ कैसे हुई? जनता को परेशानी हो रही है तो इसके वजह प्रबंधन है, कहीं ना कहीं सरकार है, बिजली कर्मी कहीं से नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल सुनियोजित, मतलब हम लोगों को जानबूझकर हड़ताल में, ये चाहे ऊर्जा प्रबंधन हो या सरकार हो, ये जानबूझकर हड़ताल हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है और बिजली कर्मियों को जनता के बीच में बदनाम किया जा रहा है। ये गलत आरोप है कि बिजली कर्मी जो है की वजह से जनता को परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ हमने बात की विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय संयोजक श्री शैलेंद्र दुबे से, अनपरा शाखा के संयोजक अभिषेक बर्नवाल से और अन्य नेता सचिन राज, विशाल जायसवाल से भी। इन सभी का बस यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अब ये हड़ताल जारी रहेगी। आपने बिजली कर्मियों की मांग सुन ली, अब आपको सरकार का पक्ष भी दिखाते हैं। मसलन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, उसके बाद भी हड़ताल किया जा रहा है जो कि अवैधानिक है और ऐसा करते हुए बिजली कर्मियों ने आम जनता और राष्ट्र हित को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए उन पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अर्थात एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। और हुआ भी इसी प्रकार, 22 से अधिक बिजली कर्मियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई, 1332 संविदा कर्मी बर्खास्त कर दिए गए, 50,000 से अधिक संविदा कर्मियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया गया, नए नियुक्ति करने की बात भी सरकार द्वारा की गई। इसके अलावा कई जिलों में भी कटौती के लिए बिजली कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिजली कर्मचारी भी परिवार का हिस्सा हैं, उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। शनिवार दोपहर में जहां सीएम आवास पर 38 मिनट बैठक चली और सीएम योगी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, उससे लग रहा था कि कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार देर शाम ऊर्जा मंत्री व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक विफल रही, उससे यही लगता है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा। इस मामले पर हाईकोर्ट भी चुप नहीं बैठी और उसने भी संबंधित विद्युत अधिकारियों को 20 मार्च को तलब किया है। तो अभी तक आपने बिजली कर्मियों की मांग सुन ली, सरकार की दलील सुन ली और न्यायालय का आदेश सुन लिया। अभी एक पक्ष और बचा है जो इस देश का वास्तविक राजा है, या यूं कहिए कि प्रजातंत्र है तो कम से कम कागज में तो है ही, मतलब जनता का पक्ष, यानी आपका अपना पक्ष। आम आदमी सबकी तरफ देख रहा है और कुछ प्रश्न उसके जहन में बार बार उठ रहे हैं जिसका उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मसलन हड़ताल की नौबत क्यों आई और समय रहते इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बिजली कर्मियों ने अपने पत्र में जिस सांकेतिक हड़ताल की बात कही है वो अचानक प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती का रूप कैसे धारण कर ली। जब अभी तक कोई भी पक्ष झुकने की या समझौता करने की स्थिति में नहीं है तो फिर आगे क्या होगा। सरकार या बिजली कर्मी समझौते के किन्हीं बिंदुओं पर यदि असहमत थे तो दिसंबर से अभी तक उस पर सहमति क्यों नहीं बनाई गई। क्या विपक्ष द्वारा बीजेपी की निजीकरण को लेकर जो छवि जनता में बनाई गई है वो परिस्थिति को अधिक विकट बना रही है। एक तरफ ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि मांगे मान ली गई हैं और दूसरी तरफ बिजली कर्मी कह रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे में कौन सा पक्ष सही बोल रहा है और कौन सा झूठ। पावर कॉर्पोरेशन पहले से ही 1,00,000 करोड़ के घाटे में है और उसके ऊपर 80,000 करोड़ का लोन भी है। ऐसी परिस्थिति में हड़ताल क्या इस समस्या को और विकट नहीं बनाएगी और उसकी भरपाई कौन करेगा। चिकित्सा, जलापूर्ति, औद्योगिक उत्पादन, पढ़ाई, राजस्व वसूली जैसे तमाम अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके प्रभावित होने से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में बिना किसी दोष के आम जनता इन समस्याओं को क्यों झेले। आप भी विचार करिएगा और यदि उत्तर मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।